हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KDS क्लासेस चकलवंशी। मैं हूं संयोगिता सिंह और हम आपके लिए लेकर के आए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य यानी आदेश, प्रार्थना, सलाह वाले वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऑर्डर यानी आदेश देना, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना और एडवाइस यानी सलाह देना। स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है या फिर किसी को कोई एडवाइस दी जाती है। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को आदेश देते हैं, उन सेंटेंसेस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। वी वन प्लस ऑब्जेक्ट अब्लिक एडवर्ब। वी वन का तात्पर्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर कोई एडवर्ब भी आ सकता है। कभी कभी तो ऐसे भी सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट या एडवर्ब के बन जाते हैं जिनमें केवल वर्ब से ही हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आओ, तो इसके लिए हम कहेंगे कि कम। अगर हम कहेंगे कि जाओ, तो हम कहेंगे गो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे वहाँ जाओ, तो हम कहेंगे गो देयर। कहने का तात्पर्य है पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। अगर हम कहेंगे यहाँ आओ, तो हम कहेंगे कम हियर। तो स्टूडेंट्स, आइए इम्पेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कुछ और एग्जांपल से करते हैं और आप भी कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें पूर्णतः पूर्ण बनाती है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है दरवाज़ा खोलो, तो हम कहेंगे ओपन दी डोर। दरवाज़ा बंद करो, शट दी डोर। पंखा चलाओ, तो हम कहेंगे स्विच ऑन दी फैन। अपना गृह कार्य पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क। निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। जैसे धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। चिंता मत करो, डोंट वरी। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। इस प्रकार से जब नहीं की जगह पर कभी नहीं आएगा, तब हम नेवर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यदि हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम प्लीज़ या काइंडली में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम कहते हैं कि कृपया मुझे अपनी कलम दे दीजिए, तो हम कहेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन। अगर हम कहते हैं कि कृपया मेरी सहायता करो, तो हम कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जब हम किसी को सलाह देते हैं, तो हम ऑलवेज़ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम ऑलवेज़ लिखते हैं, उसके बाद में वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हम कहेंगे हमेशा सच बोलो, तो हम कहेंगे कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगर हम कहेंगे हमेशा बड़ों का सम्मान करो, तो हम कहेंगे ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसी तरह से जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किसी से अनुमति मांगते हैं, तो इसके वाक्य के अंत में आता है दो। जैसे मुझे खेलने दो, तो इसका स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का लेट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस हम एक तरह से और बनाते हैं, उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, हम कहते हैं कि मुझे जाने दो, तो हम कहेंगे लेट मी गो। अगर हम कहते हैं उसे आने दो, तो हम कहेंगे लेट हिम कम। अगर हम कहते हैं मुझे खेलने दो, तो हम कहेंगे लेट मी प्ले। अगर हम कहते हैं उसे पढ़ने दो, तो हम कहेंगे लेट हिम स्टडी। जब हम कहेंगे उसे मत आने दो, तो हम कहेंगे डोंट लेट हिम कम। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, लेट हिम नॉट कम। अगर हम कहेंगे उसे मत खेलने दो, तो हम कहेंगे डोंट लेट हिम प्ले। और इसी को हम इस तरह से बना सकते हैं, लेट हिम नॉट प्ले। तो आई होप कि आपको हमारा लेसन समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।